हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हिस्ट्री को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। और हिस्ट्री में आपको पता है कि महाजनपद काल में जो है मगध साम्राज्य शुरू हो गया है, उसमें जो है कुछ हद तक चीज़ें हो गई हैं, यानी कि इसको जानने के जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोतों में हमने काफ़ी हद तक पढ़ाई कर लिया है। आज उसी में हम बृहत शिलालेख के बारे में जानेंगे और जो उस समय के साहित्यिक स्रोत हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो आपका चैप्टर है मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य को जानने के जो स्रोत हैं उसमें आप पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली हैं। आज जो आपका टर्न है अशोक के 14 बृहत शिलालेख, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं 14 बृहत शिलालेखों के बारे में आता है कि किस शिलालेख में क्या है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम बृहत शिलालेख से। प्रथम जो भी बृहत शिलालेख है इसमें आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो पशु हत्या और समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है अशोक ने, यानी कि जो प्रथम बृहत शिलालेख है इसमें शासक या जो राजा हैं अशोक, उन्होंने कोशिश किया है कि जो पशुओं का वध है वो कम से कम हो। उनकी पाकशाला में यानी कि जो किचन है उसमें सैकड़ों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी या उसको जो है भोजन के रूप में लोगों को प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बंद कर दिया जाता है। अब जो राजा का किचन है उसमें 2 मोर और 1 हिरण की हत्या की जाती थी और बाकी जो है हत्याएं बंद कर दी गई थी। इसका जो उल्लेख है ये प्रथम बृहत शिलालेख में मिलता है कि राजा के किचन में सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण को अब बलि दी जाती थी, बाकी जो हत्याएं हैं वो बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका है द्वितीय बृहत शिलालेख, इसमें समाज के कल्याण से संबंधित कार्य किया गया है। समाज कल्याण से संबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अस्पताल का निर्माण करना, शिक्षा की व्यवस्था कराना, सड़क का निर्माण करना और जो है पेड़ पौधों को लगाना, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा कराना, तो इस तरह के जो समाज कल्याण के कार्य होते हैं इसका उल्लेख द्वितीय बृहत शिलालेख में मिलता है। इस तरह का जो कार्य है वो राजा ने यानी कि अशोक ने चेर चोल पांडे चेर को सतीय पुत्र और केलक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सतीय पुत्र या केरल पुत्र आए तो ये चेर साम्राज्य के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जो चेर है ये केरल के क्षेत्रों में ही डेवलप हुए थे। तो इस साम्राज्य तक अशोक का अधिकार था और यहाँ भी अशोक ने इस तरह की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराई थी। इसके अलावा यूनानी राजा जो है उनके क्षेत्र और उनके पड़ोसी देशों में भी राजा ने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी, श्रीलंका में प्रोवाइड कराई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि किस शिलालेख में चेर चोल पांडे का उल्लेख मिलता है, तो द्वितीय बृहत शिलालेख में मिलता है। और यहाँ और इसके अलावा विदेशी शासकों का भी उल्लेख इसमें मिलता है, इसलिए द्वितीय बृहत शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट जो है आपका तृतीय बृहत शिलालेख, इसमें देखेंगे धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त, ये आप जरूरना में याद रखेंगे, युक्त रज्जुक प्रादेशिक, ये 3 जो है उस समय के कार्य करने वाले राजा के प्रशासक हैं या कहिए कि कार्यकर्ता हैं जिनको राजा ने नियुक्त किया था, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीनों लोग साम्राज्य में धर्म की शिक्षा देते थे लोगों को। इसके अलावा इसमें कहा गया है तृतीय बृहत शिलालेख में कि लोगों को ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए तथा माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए कि ब्राह्मणों और श्रमणों की उदारता की बात किसमें की गई है तो तृतीय बृहत शिलालेख में की गई है। इसके अलावा ये तीनों के बारे में पूछा गया है कि कौन से बृहत शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति का उल्लेख मिला है, तो आपके तृतीय बृहत शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों में होता है जो हिंदू धर्म के पुजारी होते हैं, श्रमणों में होता है जो जैन बौद्ध होते हैं या दूसरे धर्म के जो श्रावक और श्राविकाएं होती हैं यानी कि संत होते हैं, इन सब का आदर करने की बात कही गई है तृतीय बृहत शिलालेख में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका चतुर्थ बृहत शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं, यानी कि जो धर्म है लोगों को धर्म की नीतियों पे चलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरी नीतियों को या बुरी विचारधाराओं को छोड़ देना चाहिए, इस तरह का जो है बड़े पैमाने पे इसमें प्रचार प्रसार किया गया है, नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण विचारधारा है। पंचम जो बृहत शिलालेख है इसमें राज्यारोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्य, ये नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, धम्म महामात्य की नियुक्ति की बात की गई है, यानी कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष और जो है आपका पंचम बृहत शिलालेख में महामात्य की नियुक्ति की बात की है। ये जो महामात्य है ये स्पेशली
धर्मों के प्रचार के लिए या धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। ये राज्य में जगह जगह जा करके लोगों को जो शिलालेख जो अभिलेख होते थे उसको पढ़ के सुनाते थे और लोगों को धर्म की तरफ आकर्षित करते थे। उनके मन में जो दुर्विचार होता था, जो दूसरे धर्म और संप्रदाय के प्रति गलत धारणाएं होती थी उसको दूर करने की कोशिश करते थे और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते थे ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो या वो अच्छे इंसान बन सके। ये काम जो है ये धर्म महामात्य किया करते थे और इसको राजा ने अपने राज्यारोहण के 93 वर्ष नियुक्त किया था और इसका उल्लेख पंचम बृहद शिलालेख में मिलता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। एक तो ये भी आया है कि किस वर्ष मतलब किस बृहद शिलालेख में धम्म महामात की नियुक्ति का है उल्लेख और ये तृतीय शिलालेख में कि युक्त राज्य और प्रादेशिक ये जो उनके काम करने वाले हैं इनके बारे में आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है आपका छठा बृहद शिलालेख, इसमें धम्म महामातों के लिए आदेश जारी किया गया है यानी कि वो क्या काम करेंगे, उनका क्या कार्य है, जैसे कि धर्म का प्रचार करना, लोगों को अच्छी शिक्षाएं देना, लोगों के दिमाग को या कहिए कि दिलों को बदलना, अच्छा इंसान बनाना, ये सारी चीज़ों का जो आदेश जारी किया गया है धर्म महामात्यों के लिए ये छठी बृहद शिलालेख में है। हाँ तो बच्चों आपका ये हो गया है। आज हम सप्तम जो है शुरू करें, सप्तम बृहद शिलालेख यानी कि इसमें सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। सहिष्णुता मीन्स होता है कि सभी जो संप्रदाय होते हैं उनके बारे में अच्छा सोच रखना, अच्छा विचार करना या सारे जो धर्म होते हैं उनके प्रति अच्छी सोच और विचार रखिए यानी कि उनसे अपने से जो है कम या सहिष्णुता समझिए बल्कि उनको अपने पैरेलल अपने जैसा समझिए। अशोक के समय में भी आपस में संप्रदायों में टकराव की सूचना मिलती है, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म यानी कि जो आपका बृहद शिलालेख है उसमें उन्होंने उल्लेख करवा दिया था कि जो जनता है उसे आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए यानी कि सहिष्णुता को रहना चाहिए और सहिष्णु नहीं होना चाहिए। इस बात का जो उल्लेख है ये मिलता है आपका सप्तम बृहद शिलालेख में यानी कि संप्रदाय जो टकराव का उल्लेख है ये तभी और आज भी है। नेक्स्ट है अष्टम बृहद शिलालेख, इसमें अशोक द्वारा आखेट की त्याग की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि आखेट ना करें, आखेट करने से पशुओं की हत्या होती है, उसकी जगह पे आप किसी और काम में अपना टाइम लगाएं, आखेट नहीं करना चाहिए, तो आखेट के प्रतिबंध की बात यहाँ पे किया गया है। और नेक्स्ट जो है आपका नवा बृहद शिलालेख, इसमें कहा गया कि खर्चीले समारोह जैसे कि जन्म पर विवाह पर जो बहुत ज़्यादा लोग जो है इंजॉय करते हैं या जो कहिए बहुत बड़ा समारोह या भव्य समारोह करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो खर्चा नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से वो पैसे दूसरों की मदद करने में, गरीबों की, लाचारों की, असहाय लोगों की मदद करने में लगाएंगे तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या वो आपका सबसे अच्छा कर्तव्य और धर्म होगा। अपने बर्थडे और अपने शादी में बहुत ज़्यादा जो है अनावश्यक खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऐसे समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की बात अशोक ने किया है। और ये जो उन्होंने बात की है वो किया है नवें बृहद शिलालेख में। दसवां जो बृहद शिलालेख है इसमें ख्याति गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीति को श्रेष्ठ बताया गया है यानी कि जो आप ख्याति प्राप्त करने के लिए गौरव प्राप्त करने के लिए जो वर्क करते हैं उसको मत कीजिए बल्कि धर्म का प्रचार कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये दसवें बृहद शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट जो है आपका ग्यारहवां बृहद शिलालेख, इसमें कहा गया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए और जो है मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उदार व्यवहार करना चाहिए। इस बात का जो उल्लेख है अशोक ने जो है ग्यारहवें शिलालेख में किया है। जो आपका बारहवां शिलालेख है इसमें कहा गया है कि जो विभिन्न समुदाय के मध्य है सहिष्णुतापूर्ण रहना चाहिए यानी कि प्यार के से रहना चाहिए यानी कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो आपका तेरहवां बृहद शिलालेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तेरहवें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, ये कई बार एग्जाम में आया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि युद्ध विजय से अच्छा है कि आप धर्म विजय की बात करें यानी कि लोगों को धर्म की बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, लोगों के दिलों को जीते, दिमाग को जीते, युद्ध करके साम्राज्य जीतने से कोई फायदा नहीं है, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। जो आपका चतुर्दश यानी कि चौदहवां है इसमें कहा गया है कि सभी लोगों को अच्छे से यानी कि सर्वधर्म संभाव की प्रेरणा के साथ रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, तो इस बात पे अशोक ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जाहिर सी बात है कि उस समय जरूर लोगों के बीच में मनमुटाव या टकराव रहा होगा, विभिन्न जो संप्रदाय थे या जो धर्म थे उनमें तब भी वैमनस्यता थी, जैसा कि आज भी देखा जाता है इस तरह की चीज़ें ना हो तो हमारी सोसाइटी आज बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें तभी पाई जाती थी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, वो व्यक्ति पहला कौन है जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो वो मिस्टर जेम्स प्रिंसप हैं जिन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ये डेट भी पूछता है और व्यक्ति भी पूछता है, तो इसको जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है
पुस्तक में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें उस समय के साम्राज्य के बारे में पता चलता है, तो आप इसमें देखेंगे बौद्ध साहित्य भी है। बौद्ध साहित्य में दीप वंश, महावंश और जातक कथाएं जिसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसके अलावा जैन साहित्य भी है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र और हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के सारे जो ग्रंथ हैं ये उस समय मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ब्राह्मण साहित्य है, जिसमें खास करके जो पुराण है इन पुराणों में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। विष्णु पुराण में ज़्यादा इस बार इसके बारे में पता चलता है, तो विष्णु पुराण इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ये अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। और जो कौटिल्य हैं इनके और भी नाम है, विष्णुगुप्त नाम है इनका, इनका नाम चाणक्य भी है। और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आपको पता है ये नंदवंश में घनानंद जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे, उन्होंने इनका अपमान किया था जिससे नाराज होकर के इन्होंने उनको जो है बर्बाद करने का प्रण लिया था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख भी थे, आपको पता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था जहाँ पे कौटिल्य जो है प्रमुख थे वहाँ के। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पढ़ने वाला भी पूछता है कि कौन कौन था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्टडी किया है, तो उसमें जीवक भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, तो तीन नाम हैं कौटिल्य, जीवक और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्टडी किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है इसी में आप देख सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसका प्रथम जो हस्तलिपि है वो आर्य शर्मा शास्त्री ने पढ़ा था, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। आर्य शर्मा शास्त्री ने 1904 में इसे खोजा था और इस पुस्तक का अनुवाद किया था। ये पुस्तक जो है संस्कृत में लिखा हुआ है और चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली मीन्स होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यानी कि चंपू शैली में है। और ये 15 भागों में बटा है और इसमें 180 उपभाग हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इसके अलावा इसमें 6000 श्लोक हैं और ये संस्कृत भाषा चंपू शैली में है, आपको बता चुके हैं। अर्थशास्त्र में धर्म विजय, लोक विजय और जो है असुर विजय की बात की गई है, यानी कि राजा तीन तरह का विजय करता था। धर्म विजय मीन्स होता था किसी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के बाद उससे कुछ उपहार कुछ शुल्क वसूल करने के बाद छोड़ दिया जाता था। और जो आपका दूसरा है लोक विजय, यहाँ पे साम्राज्य पे अधिकार करने के बाद उसका ज़्यादातर क्षेत्र हथिया लिया जाता था और उससे बड़ा अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे जो है वसूल किए जाते थे। तीसरा जो है असुर यानी कि जो लास्ट है असुर विजय, इसमें साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता था या पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये तीन तरह के विजय का उल्लेख जो है वो आपके अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है आप देखेंगे यहाँ पे दासता नामक अध्याय में शूद्रों को आर्य कहा गया है। ये अर्थशास्त्र की दासता नामक अध्याय है जिसमें शूद्रों को आर्य कहा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कौटिल्य हैं ये ईख की खेती को निकृष्ट मानते हैं, उनका मानना है कि इसमें व्यय भी बहुत लगता है और इसमें परिश्रम भी बहुत लगता है, इसलिए ईख की खेती नहीं करनी चाहिए, ये निकृष्ट कोटि का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उस समय विभिन्न स्थानों पर उत्पादित करने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है कि कहाँ से क्या क्या उत्पादन होता था, जैसे अंग और कलिंग से हाथी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, यानी कि हाथी वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। कलिंग युद्ध का एक यही रीज़न बताया जाता है कि अशोक वहाँ जो हाथियाँ हैं उनको प्राप्त करना चाहते थे, प्लस जो कलिंग है वो समुद्र तट के किनारे है तो वहाँ से व्यापार के लिए उनको मार्ग मिल सकता था। इन्हीं रीजन की वजह से उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था जो कि उड़ीसा है, उसी को कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग और अंग में हाथी का बड़े पैमाने पर कहीं उत्पादन होता था या मिलते थे। इसके अलावा जो काशी है वाराणसी, यहाँ से सूती कपड़े का जो है बहुत पैमाने पर उत्पादन होता था। नेपाल से उस समय कंबल मिलता था और कंबोज से घोड़ा बड़े पैमाने पर मिलता था। जो आपका मगध है यहाँ से पत्थर का बाट, बाट में जो आप तौलने के लिए या माप के लिए उपयोग मिलाते हैं बाट, ऐसे बाट का बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन किया जाता था मगध में। मेघासनीज भी उसी से संबंधित है, उसी काल से संबंधित है मेघासनीज, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। ये भारत आए थे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में, और ये सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था, तो उन्होंने अपनी पुत्री हेलना का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और अपना राजदूत उनके दरबार में भेजा था। तो ये वही है मेघासनी जिन्होंने इंडिका लिखा। ये 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहे हैं पाटलिपुत्र में, और यहाँ के समाज के बारे में बहुत बृहद इन्होंने वर्णन किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो इंडिका है इसके तथ्यों का उल्लेख विभिन्न यात्रियों ने अपनी किताबों में किया है।
बात है, ये एक्स का जो मूल है वो मिला नहीं है, यानी कि जो एग्जैक्ट था वो प्राप्त नहीं हुआ है आज तक। इसलिए उसका जो उल्लेख विभिन्न यात्रियों ने किया है उसी उल्लेख से हमें पता चलता है कि इंडिका में क्या लिखा गया था। तो इंडिका एग्जाम में आया कि कौन से यात्री हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में इंडिका की बातों का उल्लेख किया है। तो वो जो राइटर है वो आप देख सकते हैं, स्ट्रैबो है, डायोडोरस है, एरियन है, प्लिनी है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री भी लिखा है। इन सारे लोगों ने इंडिका के तथ्यों को अपनी किताबों में लिखा है जिसमें बहुत सारे तथ्य लिखे गए हैं। उसमें ये भी मतलब जो है लिखा है कि जो यहाँ का इंडिया का समाज था वो 7 वर्गों में बटा था। इसके अलावा मेगास्थनीस ने कहा कि इंडिया में जो है दास प्रथा नहीं थी, इंडिया में अकाल नहीं पड़ते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जबकि ऐसा नहीं है, बात गलत है, क्योंकि इसके पहले ही निर्यागस ने इस बात का उल्लेख किया था कि जो इंडियंस हैं वो एक अलग तरह के कपड़े पे लिखा करते हैं। और इन्होंने कहा कि अकाल नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है, हमेशा से अकाल पड़ते थे। यानी कि जो मेगास्थनीस हैं उनके जो लेखन है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन उस समय के समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है जो कि हमारे लिए मददगार साबित होती है। इसीलिए इंडिका एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, लेकिन वहाँ उसके बहुत सारे तथ्य जो है वो गलत समझे जाते हैं या वो सच नहीं है। यानी कि जो मेगास्थनीस जो उन्हें पूरे भारत का ज्ञान नहीं था, वो कुछ क्षेत्रों का स्टडी करके अपने जो है एक आकलन के आधार पर उन्हें सारे बहुत सारे तथ्यों को लिख दिया है जो कि बाद में प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ये बच्चों आज का मतलब क्लास ही रहने देते हैं, इतने सारे तथ्य हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे का जो है वो आपको फिर से नेक्स्ट डे मिलेगा, और स्टडी करते रहिए। थैंक यू बच्चों।